तो देख सकते हो नरोरा प्लांट कितना मस्त लग रहा है। यहाँ का व्यू जी देखिए, चेक कीजिए जी, देख सकते हो यहाँ पे ये परात में खीरा रखते हैं, इसमें देखना पड़ता है। तो वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपने घर में बैगन के पेड़ लगाए हुए थे, काफ़ी दिन हो गए तो उन पे अब बैगन लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मम्मी तोड़ेंगी सब्जी के लिए बैगन, तो आपको दिखाते हैं बैगन के पेड़। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये बैगन लगे हुए हैं पेड़ों पर, और काफ़ी पेड़ हमने यहाँ पर लाइन से लगाए हुए थे। तो मम्मी अभी तोड़ के दिखाती हैं आपको बैगन। तो दोस्तों देख सकते हो मम्मी ने एक बैगन तो तोड़ लिया है पेड़ पे से। तो ये हमने अपने घर में पेड़ लगाए थे बैगन के, तो अभी बड़े बड़े हो गए हैं तो इन्हें तोड़ रहे हैं सब्जी के लिए। तो ये देखो एक और लग रहा है, तो इसे भी तोड़ लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों दो बैगन निकले हैं अभी पेड़ों पर, और अभी तो छोटे बैगन हैं ये फिलहाल में पेड़ों पर लग रहे हैं, हम आपको दिखाएँ। तो देख सकते हो ये छोटे हैं अभी जीवाले, ये देखिए, और इन पेड़ों पे दो बैगन लिख रहे हैं जो सब्जी बनाएंगे इनकी, देखेंगे। तो देख सकते हो इतने इतने बड़े ताज़ी फ्रेश बैगन लिख रहे हैं पेड़ों पे। तो अभी संजीवपुर में जा रहे हैं पालिज पे, और देख सकते हो बारिश का मौसम हो रहा है, तो अभी पालिज पे चल के दिखाएंगे आपको टमाटर और खीरे किस प्रकार से पालिज में लगते हैं, और उन्हें तोड़ के भी दिखाएंगे हम आपको, और खाएंगे भी कुछ खीरे और टमाटर। तो अभी देखते हैं बारिश पड़ेगी तो भीग जाएंगे पालिज पर, और भी हमारे साथ बने रहना। तो अभी पालिज पे चलते हैं। तो इधर इस भाई को रोक लिया है, तो गाड़ी पर बैठते हैं इसकी पर और पालिज तक पहुँचते हैं इसकी गाड़ी बैठ के। तो चलो, और देख सकते हो दोस्तों मौसम बारिश का हो रहा है जी, जी देख सकते हो काले काले बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। मैं क्या खेल रहा हूँ, मेरी आईडी से छूट वाला भाई होगा। मौसम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम होने वाला है, अगर बारिश पड़ती है तो देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे। तो हम आ चुके हैं अपनी टमाटर की खेती पे, तो देख सकते हो ये हमारी टमाटर की खेती, और देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टमाटर लग रहे हैं, और आपको दिखाएंगे टमाटर किस प्रकार से आते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं पेड़ों पर, तो देखो ऐसे ख़राब भी हो जाते हैं कुछ टमाटर, और आपको दिखाते हैं आइए टमाटर। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे टमाटर लग रहे हैं, आइए तो जो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं, ये टमाटर तोड़ लिया हमने और इसे करके देखते हैं किस प्रकार से है। तो काफ़ी ज़्यादा मीठा टमाटर हो रहा है, और अभी आपको दिखाएंगे खीरे भी तोड़ के दिखाएंगे। और आइए पानी के ढोरा चलते हैं, देखते हैं पानी का क्या मौसम है, आगे से बैराज भी देखेंगे। तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हो हम पानी के पास में आ चुके हैं, गंगा जी देख सकते हो, नरोरा बैराज पुल ऊपर है। तो अभी हमें यहाँ से देखी पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे बारिश पड़ी थी तो यहाँ पे एक नाव डूब चुकी है, तो हम उस नाव के पास चलते हैं, तो आपको दिखा दें किस प्रकार से डूबी हुई है। तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे नाव है, यहाँ पे ये मछली पकड़ते हैं गंगा जी में से कुछ लड़के, और यहाँ पे इंसान मछली पकड़ते हैं, तो उनकी नाव घूम चुकी है देखिए, काफ़ी ज़्यादा। तो अंदर आके दिखाते हैं हम पानी कितना भरा हुआ है इसमें नाव में, तो देख सकते हो ये पानी से घूम चुकी है, पानी बढ़ गया था यहाँ पे, तो ये देखिए पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा है नाव में, देख सकते हो, और आधी नाव इसमें घूम चुकी है, और देख सकते हो सीन कितना मस्त आ रहा है यहाँ पे, एक बार व्यू चेक कर सकते हो आप यहाँ से। तो देख सकते हो जब पालेज में आते हैं तो ये छोटी छोटी ऐसे पानी क्रॉस करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पेंट वगैरह भी भींग जाती है। तो अभी चलते हैं संजीव की पालेज पे जा रहे हैं, अब हमने तो अपनी पालेज पे घूम लिया, तो इधर चलते हैं और देख सकते हो मौसम यहाँ पे। दोस्तों संजीव की पालेज पे पहुँच चुके हैं, और ये संजीव की मढ़ैया है, तो देख सकते हो इधर पूरे में टमाटर हैं, तो ये मढ़ैया इसलिए रखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जब टमाटर चलते हैं तो यहाँ पे टमाटर जब
किसान टमाटर तोड़ते हैं अपनी पालेज में से, तो वो जहाँ मढ़िया में रख के भरते हैं क्रेटों में और फिर अच्छी तरह से सफ़ा करके जाता है मंडी के लिए बिकने के लिए। तो देखिए मढ़िया कुछ इस प्रकार से होती है। और पानी पीने के लिए दो कैन रखी हैं ये देखिए, और इसमें पानी भी है फ़िलहाल में, और ये देख सकते हो, और एक खाट भी है यहाँ पे जो सोते हैं रात में। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मढ़िया होती है, और बाहर से हम दिखा रहे हैं आपको, तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टमाटर की खेती होती है। और देख सकते हो नरोरा बैराज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऊपर बैराज है और नीचे खेती करते हैं रेते में। आने वाले समय में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौमासे के टाइमों में पानी चलता है दोस्तों, आप ये देख सकते हो पेड़ों पे टमाटर कितना ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए अभी कच्चा टमाटर है ये, तो अभी ये इसे पकने में टाइम लगेगा, तो आप फिलहाल चेक कर सकते हो पेड़ों पर जो गुच्छा हो रहे हैं टमाटरों के, तो लटके टमाटर आ रहा है ये देखिए आप। तो ये काफ़ी दूर दूर मंडियों पे जाता है, और आपको नरोरा में टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो दूर दूर तक आपको टमाटर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो नरोरा में जो खेती होती है टमाटर और खीरे की, तो देखिए कुछ इस प्रकार से खीरे की खेती होती है। और यहाँ पर देखिए जो भैया खीरे तोड़ रहे हैं यहाँ से, और जी देख सकते हो यहाँ पे ये परात में खीरा रखते हैं, इसमें देखना पड़ता है बेलों में। तो देखिए जी इस प्रकार से यहाँ पे ढूंढते हैं बेलों में से, फिर उस परात में रख के उस मढ़िया में ले जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, फिर बढ़िया तरीके से भर के मंडी के लिए और जाते हैं खीरा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ढूंढने पड़ते हैं बेलों में से, और हाथों में ग्लिप्स पहन के ढूंढते हैं, क्योंकि खीरे के बेल में कांटे वगैरह होते हैं छोटे वाले। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है खीरे की खेती का और टमाटरों की। देख सकते हो अब जी यहाँ से परात ले जा रहे हैं खीरे की भर के, तो अभी उस मढ़िया में ले जाएंगे, फिर वहाँ पे रख के भरेंगे। दोस्तों अभी पैलेज में से खीरा ले लिया है, तो खीरा खाए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खीरा है। तो पालेज में ऐसे खाने पीने की सौदा होती रहती है, तो खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी संजीपुर में घर पे जा रहे थे, तो हमने सोचा मौसम भी बढ़िया हो रहा है तो हम बीच पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए हम पानी के बीच पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे घूमने आते हैं काफ़ी लोग। तो ये देखिए कितना मस्त मौसम हो रहा है, देख सकते हो चारों तरफ पानी पानी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हो फिलहाल में। तो आप देख सकते हो अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं यहाँ पर, और एक बार आप व्यू चेक कर सकते हो यहाँ पर, देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है नरोरा गंगा जी का। दोस्तों अभी हम पालेज पे से घूम के घर पे जा रहे हैं, देखिए संजीपुर में पुल पे आ चुके हैं, और पीछे का मौसम देख सकते हो कितना खतरनाक मौसम हो चुका है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो इसलिए हम घर पे जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं घर पे पहुंचने के बाद। दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, और देखिए हमने खाना ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, पालेज पे से घूम के आए हैं। तो इधर देख सकते हो बैंगन की सब्ज़ी बनी है जी वाली, जो सुबह हमने बैंगन तोड़े थे पेड़ पे से अपने, और इधर टमाटर का सलाद है और रोटियाँ हाथ की। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।